कोर्सेज एंड करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए स्टूडेंट खबरी के साथ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक, मैं अविनाश एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट खबरी। बट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं BCA इन डेटा एनालिटिक्स के बारे में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे के सारे आंसर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर कोई आंसर का जवाब नहीं मिलता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस कोर्स में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, उसके बाद हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसका मीनिंग तो आपको पता है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स इसका क्या मतलब होता है? वेल, अगर मैं बात करूं इंडिया में 1 बिलियन लोगों से ज़्यादा लोग हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए हमने बहुत सारी जगहों पे उसे डिवाइड किया। हमने इंडिया को स्टेट लेवल पे डिवाइड किया है, हमने उसे सिटी लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना आसान नहीं होता। सेम चीज़ डेटाबेस के साथ होती है। आप व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, आप यूट्यूब यूज़ करते होंगे, आप टिकटॉक यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन, इनके पास इतना सारा डेटाबेस है, उसे एनालाइज करने के लिए ही इन्हें अलग से लोगों को जोड़ना पड़ता है अपनी कंपनी में। क्यों? क्योंकि डेटा एनालाइज करके आप बता सकते हैं कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से काम कर सकती है। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है और वहां पे जाने के दो रास्ते हैं, तो आप सबसे छोटा रास्ता ही चुनोगे। और ये चीज़ आप एनालिसिस करके ही बताते हो कि यार मैं इस रास्ते से जाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये छोटा है। कभी कभी ये भी होता है कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम है या फिर वो रोड बंद है, तो आपको दूसरा रास्ता लेना पड़ता है। लेकिन आपको दिमाग में यही रहता है कि अगर आज ट्रैफिक जाम नहीं होता तो मैं उसी रास्ते से जाता। वेल, यही काम आपको डेटा एनालिस्ट की पोजिशन पर करना है, जहाँ पर आप बता सकते हो कि मैं कितने सिंपल तरीके से उस डेटा को रीड करके बता सकता हूँ कि आज के टाइम पर क्या ट्रेंडिंग है या फिर क्या चीज़ चल रही है जो कि कंपनी को प्रॉफिट पहुँचा सकती है। ओके, इस कोर्स की जो स्ट्रीम है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और ये कोर्स है 3 सालों का। इसमें जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है सेमेस्टर बेसिस पे, मतलब हर 6 महीने में आपका एग्जाम होता है। और फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स होता है 3 साल का। ओके, अब एक क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए? वेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। 45% आपको चाहिए इन 10+2। आप किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हैं, लेकिन सजेशन ये रहता है कि अगर आप मैथ्स से हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आप इस कोर्स को करें। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है? तो एडमिशन प्रोसेस में जनरलाइज बताऊंगा, मैं कोई स्पेसिफिकली सिंगल कॉलेज का नहीं बताने वाला। एडमिशन प्रोसेस 2 तरीके से होता है। एक तरीका होता है मेरिट बेस्ड, जिसमें आपकी मेरिट बेस पे एडमिशन मिलता है। दूसरा होता है एंट्रेंस लेवल पे। तो एंट्रेंस लेवल का प्रोसेस ये है कि आप एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के बाद एक मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। तो ये प्रोसेस हुआ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। दूसरी प्रोसेस है मेरिट बेस पे, जहां पे आपको 12th बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। तो वहां पे सिंपल चीज है, आप एक जगह रजिस्टर करते हैं, वहां पे आपका मेरिट डिसाइड होता है और फिर आप एडमिशन लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको पक्के से बताना चाहता हूं कि यहां पे हर कॉलेज इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट तरीका होता है। तो अगर ये आपको नहीं पता हो तो प्लीज उसे पता कर लें। क्यों? क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट गलत तरीके से अपना करियर फॉलो नहीं कर पाते हैं ड्यू टू मिसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, इस कोर्स को परस्यू करने के लिए फीस कितनी है? वेल, इसकी फीस की जो रेंज है वो है 5,000 से लेके 5 लाख तक। जी हाँ, 5 लाख तक। अगेन, ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन को चूज कर रहे हो इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, और यहाँ पे जगह का भी डिफरेंस आता है कि आप कहाँ से इस कोर्स को परस्यू कर रहे हो। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं जिसमें अच्छे से करूंगा तो मेरा प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। बट ये कोई ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे टीम ने जो रिसर्च करी उसके बेसिस पे हमें पता पड़ा कि SRM यूनिवर्सिटी उनमें से एक यूनिवर्सिटी है, दूसरी है जेवियर इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीसरी है DAV कॉलेज। ओके, फाइनल क्वेश्चन, मैंने 3 साल अपनी लाइफ के इन्वेस्ट किए, मैंने फीस भी पे करी, अब उसके बाद प्लेसमेंट कैसा होगा मेरा? वेल, सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आपका प्लेसमेंट कोई नहीं करा सकता। लेकिन अगर आपने हार्डवर्क किया है तो मैं आपको कुछ पोजीशन बताना चाहता हूँ जो आप ले सकते हैं, और उसमें कैसा पैकेज और कितना पैकेज है। अगर आप एज अ मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बनते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो अराउंड 5 लाख होगी, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। दूसरी बात, अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करते हैं तो 3.5 लाख, या फिर आप एज अ डेटा साइंटिस्ट स्टार्ट करते हैं तो आपकी सैलरी जा सकती है 6.2 लाख तक। सो आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके हों। इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी भी नहीं मिला हो तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, हमारी टीम उसका रिप्लाई जरूर करेगी। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बट अगेन, अगर आपके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, भले वो करियर से हो या कोर्सेज से हो, और होनी भी चाहिए बिकॉज यू नो करियर एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है। हर स्टूडेंट की प्रोफाइल, इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से चीज़ें वेरी करती है, तो उसके लिए एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ask.collegekhabri.com, जिस पे जाके आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं बिकॉज वो आपको आपके प्रोफाइल और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन गाइड करेगा और आपके जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब देगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।